राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चनों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोज़ के जरिए आप जान सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्सियोलॉजी का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है, किन्सियोलॉजी का अर्थ है शरीर की गति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान की मदद से शारीरिक शिक्षक, कोच, फिटनेस ट्रेनर तथा इस शिक्षक को प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार करते हैं। तो इसका सही आंसर है, मूलभूत कौशल और मोटर कौशलों में विशिष्टता क्या और क्या, दोनों आंसर ठीक है, ऑप्शन इसके दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव यांत्रिकी का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, जीवित प्राणियों की गतियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की सीमा कहलाती है? तो इसका सही आंसर है, किसी गतिविधि में उपयोगीपूर्ण गति, गति की सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैकेनिकल सिद्धांतों के उपयोग का मूल्यांकन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, प्रतिष्ठित रूप में और परिमाणात्मक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों के प्रकार हैं? तो ये प्रकार हैं, लंबी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ और अनियमित अस्थियाँ। तो इसका सही आंसर है, कैक है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, वेग में होने वाले परिवर्तनों की दर। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार गति के दौरान किसी वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, सघन अथवा दबाव का कार्य करने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींच कर लाना को परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, तरल बल जो गति का प्रतिरोध करने में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल निम्न से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी से संबंधित है बल, धक्का या खींचना, बलपूर्वक फेंकना और खींचना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरी जिसके बिंदु के चारों ओर घूर्णन होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गति का प्रतिरोध कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, वो कहलाता है घर्षण। वस्तु की गति का प्रतिरोध घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के पदार्थ की मात्रा में शामिल है? तो इसका सही आंसर है, ये है परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कार्य हो चुका है उसको करने की दर कहलाती है? तो इसका सही आंसर है, वो कहलाती है बल। जो कार्य हो चुका है उसको करने की दर बल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व केंद्र किसके लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है, गुरुत्व केंद्र संतुलन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन व घूमने की प्रवृत्ति का कंठी प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल एवं दूरी का गुणांक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्य। बल और दूरी का गुणांक कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के शारीरिक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है एंथ्रोपोमेट्री। मानव शरीर के शारीरिक गुणों का अध्ययन एंथ्रोपोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु के परिमाण में त्वरण उत्पन्न होना कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी बल जो शरीर द्वारा किए गए कार्य में लगता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये है बाह्य बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बल जो दोस्तों के मध्य परस्पर प्रतिरोध उत्पन्न करने में लगता है तथा एक दूसरे पर आरोपित करता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर ये कहलाता है घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त में आइसोकाइनेटिक की परिभाषा है? तो इसका सही आंसर है स्थिर गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम यह भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम त्वरण का नियम भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर ये है द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन को नापने में प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है पोटेंशियोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन के बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 0.22 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है बल का सूत्र, ये इसका सही आंसर है कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रेरक कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए मिलीजुली मांसपेशियों द्वारा किया गया गामक कार्य क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ये कहलाता है सहकर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के कार्पस में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ये 8 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की अस्थियां ताकत देने का कार्य करती हैं? तो इसका सही आंसर है चपटी अस्थियां ताकत देने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का घनत्व ज्यादा किस में होता है? तो इसका सही आंसर है हड्डियों का घनत्व ज्यादा पुरुष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ है जिसमें पारस्परिक तंत्रिका वितरण होता है? तो इसका सही आंसर है ये होता है सैडल संधि में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस जोड़ किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है कार्पस जोड़ कंडिलाइड संधि का जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तल है जो मानव शरीर को ऊपरी और निचले भाग में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तल, शरीर को ऊपरी और निचले भाग में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अस्थि को छोड़कर सभी में कोणीय संधि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है स्कैपुला संधि को छोड़कर सभी में कोणीय संधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अग्रभुजा की प्रमुख अस्थियां हैं? तो इसका सही आंसर है रेडियस और अल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धावक की स्थिति सेट आदेश के दौरान होती है? तो इसका सही आंसर है अस्थिर साम्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का तंतु लंबी अवधि की गतिविधि में थकान का विरोध करने में सक्षम होता है? तो इसका सही आंसर ये है मंद तंतु। अगला क्वेश्चन, जो मांसपेशियां जोड़ों को मोड़ने का कार्य करती हैं? तो इसका सही आंसर है फ्लेक्सर, मांसपेशियां जोड़ों को मोड़ने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनोवियल जोड़ है? तो इसका सही आंसर है साइनोवियल जोड़ स्वतंत्र गतिशील जोड़ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तंतुदार संधि है? तो इसका सही आंसर है खोपड़े की संधि तंतुदार संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रगामी और पश्चगामी समानार्थी है? तो इसका सही आंसर है आगे और पीछे, अग्रगामी और पश्चगामी समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदर कशेरुकाओं की संख्या है? तो इसका सही आंसर है 5, उदर कशेरुकाओं की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थि जो उपास्थि को प्रतिस्थापित कर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इसे कहा जाता है प्रतिस्थापित अस्थि, प्रतिस्थापित अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थि जो संयोजी उत्तक के परिवर्तन द्वारा बनी होती है कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ये कहलाती है निवेशित अस्थि। अगला क्वेश्चन, एडी की अस्थि का विशेष कार्य है? तो इसका सही आंसर है एडी की अस्थि का विशेष कार्य है शक्ति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोवियल संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है घुटने की संधि, साइनोवियल संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या होती है? तो इसका सही आंसर है मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई में कार्पल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 8, कलाई में कार्पल अस्थियों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हाथ में कौन सा लीवर तंत्र प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है क, प्रकार 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवधि मापन है? तो इसका सही आंसर है समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की इकाई है? तो इसका सही आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक रेखा जो पार्श्विक रूप से एक दिशा से दूसरी ओर पार करती है कहलाती है? तो इसका सही आंसर है लेटरल अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, धड़ का किसी एक ओर झुकाव किस प्लेन और अक्ष का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ये है फ्रंटल प्लेन और सेजिटल अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइसोमेट्रिक संकुचन में मांसपेशियां न ही छोटी होती हैं और ना ही बड़ी होती हैं, मांसपेशियां सेम रहती हैं आइसोमेट्रिक संकुचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैपुलास्थि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है स्कैपुलास्थि ऊपरी पृष्ठ भाग में पाई जाती है, ऊपरी पृष्ठ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें शरीर के साथ अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ये है गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बल के कारणों की व्याख्या की जाती है, तो इसका सही आंसर है ये है काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पन्न बल का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ये किया जाता है काइनेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक कंकाल तंत्र में शामिल है, तो इसका सही आंसर है अस्थियां और उपअस्थियां आंतरिक कंकाल तंत्र में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबड़ा के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है स्काइफोसिस कुबड़ा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बॉक्सर की पेशियां मांसपेशियां हैं, तो इसका सही आंसर है सेरेटिस एंटीरियर बॉक्सर की मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले वातावरण में फेंकी गई किसी वस्तु का मारक कहलाता है, तो इसका सही आंसर है पैराबोला। खुले वातावरण में फेंकी गई किसी वस्तु का मार्ग पैराबोला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद की गतिविधियों में किस प्रकार को तोलक सबसे अधिक प्रभावकारी है, तो इसका सही आंसर है यह है प्रकार 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा की ऊंचाई में कौन सी पेशी शामिल है, तो इसका सही आंसर है डेल्टॉइड पेशी भुजा की ऊंचाई में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है, तो इसका सही आंसर है उत्तोलक की तरह कार्य करना, शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है उत्तोलक की तरह कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर अक्ष गुजरता है, तो इसका सही आंसर है जमीन की लंबवत, ऊर्ध्वाधर अक्ष गुजरता है जमीन के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो इसका सही आंसर है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। अगला क्वेश्चन, एगोनिस्ट पेशियों में मांसपेशियां हैं, तो इसका सही आंसर है जो मुख्यतः गति के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो इसका सही आंसर है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक जो 100 मीटर दौड़ को 10 सेकंड में पूरी करता है उसकी चाल है, तो इसका सही आंसर है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धावक पर दौड़ की समाप्ति के ठीक पहले लगने वाला बल है, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी प्रतिक्रियात्मक बल, घर्षण बल और वायु प्रतिरोध बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेट एवं गति शब्दों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो इसका सही आंसर है जैव यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं रीसेट एवं गति शब्दों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तोलक में वजन बल और आलंब के बीच में होता है, तो इसका सही आंसर ये होता है प्रकार 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदुक खलिका संधि के चारों ओर निम्न में से गति होती है, इसका सही आंसर ये होती है उपरोक्त सभी खिंचाव एवं फैलाव, घूर्णन एवं सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थि कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का सूत्र है, तो इसका सही आंसर है चाल का सूत्र है चाल बराबर है दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमस्ट्रिंग पेशी है, तो इसका सही आंसर है खींचे हुए घुटने में हैमस्ट्रिंग पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटिसमस टॉर्सी उपस्थित है, तो इसका सही आंसर है ये उपस्थित है जांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी मोड़ने की क्रिया निम्न द्वारा होती है, तो इसका सही आंसर है बाइसेप्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोर्डोसिस इसे भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है खोखली पीठ को लोर्डोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यस्थि कोशिकाएं जो हड्डियों के निर्माण में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर ये है ऑस्टियोक्लास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्षीय कंकाल तंत्र बना होता है, तो इसका सही आंसर है उपास्थि का और अस्थि का, क्या और क्या दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां हैं, तो इसका सही आंसर है मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्षीय शरीर दीवार की मांसपेशियां क्या हैं, तो इसका सही आंसर है डायफ्राम। अगला क्वेश्चन, हाइट समूह की पेशियों द्वारा प्रस्तुत सामान्य कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर है निगलते हुए बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मांसपेशी का नाम बताइए जो कुल जनसंख्या के केवल 8% लोगों में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है स्टर्नेलिस मांसपेशी। अगला क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशी पसलियों से जुड़ी नहीं है, तो इसका सही आंसर है लिवेटर स्कैपुले, मांसपेशी पसलियों से जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पेशी कंधों को मध्यम औसत घूर्णन देती है, तो इसका सही आंसर है पेक्टोरिलिस मेजर पेशी कंधों को मध्यम औसत घूर्णन नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेशी कंधों को मध्यम औसत घूर्णन देती है, तो इसका सही आंसर है पेक्टोरिलिस मेजर। पेक्टोरिलिस मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी स्कैपुलास्थि के निचले भाग से जुड़ी रहती है, तो इसका सही आंसर है टेरिस मेजर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है, तो इसका सही आंसर है थीनर पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है, तो इसका सही आंसर है थीनर पेशी अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, गति के अध्ययन के लिए निम्न की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है समय दूरी और वेग, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेशी 3 संधियों को पार करती है, तो इसका सही आंसर है बाइसेप्स बेकरी। अगला क्वेश्चन है, सबस्केपुलरिस पेशी का कार्य है, तो इसका सही आंसर है कंधों का औसत घूर्णन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।